नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस बार हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ ही उनके पास दिव्यांग कल्याण विभाग भी है। दो बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं समाज के, जो कमज़ोर वर्ग है उसको ऊपर लाने का। हम उनसे तमाम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पिछड़ों और दिव्यांगजनों के लिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है। सर, हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला हम सवाल लेंगे, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आपके पास है। हाँ, पिछड़ों के लिए योगी सरकार 2 का 6 महीने से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। अभी अगर हम पहले 6 माह की बात करें तो कौन सी उपलब्धियाँ हैं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की आपकी? उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद, खासतौर से दूसरी सरकार बनने के बाद, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण योजना होती है, 2 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, पिछले वर्गों के गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, जिसके माध्यम से उनके बौद्धिक विकास को करते हुए हम प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण योजना CCC और ओ लेवल के का प्रशिक्षण है, जो आज की तारीख में किसी भी सर्विस में, किसी भी सरकारी नौकरी में यदि किसी बच्चे को प्रतिभाग करना है तो उसके पास CCC ओ लेवल का सर्टिफिकेट बहुत आवश्यक है। दोनों ही योजनाओं पर हमारी इस सरकार में भी लार्ज स्केल पर काम आगे हुआ है। लार्ज स्केल से अभिप्राय कि पिछले वर्गों के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए महाराज श्री जी ने बजटीय प्रबंधन में वृद्धि की है। सरकार ने इस बात की चिंता की कि पिछले वर्गों को अगर हम मूलतः प्रदेश के विकास के साथ जोड़ना चाहें, पिछले वर्गों को हम उनके मूलभूत सुविधाओं के लेस करना चाहें तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि पिछले वर्गों के बच्चे शिक्षित हों, हायर एजुकेशन में जाएं, सर्विसेज में जाएं। तो छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति में वृद्धि करके अधिकतम बच्चों को सुविधाएं प्रदान करना नंबर 1। पूरे उत्तर प्रदेश की जो अच्छी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से CCC और ओ लेवल की ट्रेनिंग करा के, जिसका पूरा भार, वह भार हमारा विभाग उठाता है, पिछले वर्ग के बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना कि प्रदेश और देश के किसी भी विभाग के निकलने वाली नौकरी में वो प्रतिभाग करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर सकें। शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से मेरे विभाग के माध्यम से बड़े आयामों को निभाया जा रहा है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे कहनी है, योगी 2 सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोक संकल्प पत्र में भी ये बात रखी गई थी कि पिछले वर्गों को जहां शिक्षा में बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार में बढ़ावा दे रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों को देकर उनको स्वावलंबी बना रहे हैं, वहीं पर इस बात को भी संकल्पित किया गया कि पिछड़े वर्गों के नौजवानों को हम हायर एजुकेशन में MBBS, MD, विधि शिक्षा, MBA जैसी बड़ी शिक्षा, जिसके माध्यम से सिविल सर्विसेज में जाना, डॉक्टर्स बनना, एडवोकेट्स बनना, इंजीनियर्स बनना जैसी बड़ी जो प्रोफेशनल हमारे यहाँ एजुकेशन सेटअप है, उनके साथ पिछड़े वर्गों को, बच्चों को जोड़ने के लिए, कंपटीशन में आने के लिए हम बहुत जल्दी ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि हम उत्तर प्रदेश में निःशुल्क रूप से जो बेहतरीन कोचिंग सेंटर हैं उनके माध्यम से पिछड़े वर्गों के बच्चों को कोचिंग करा के हायर एजुकेशन, हायर सर्विसेज में स्थापित करके उन्हें वो स्थान देना चाहते हैं जिसके लिए वो अपेक्षित हैं। ये 3 बातें मैंने आपके बीच खासतौर से पिछड़े वर्ग कल्याण के संदर्भ में रखी हैं, जिसके माध्यम से पिछड़े वर्गों के लोगों को उत्तर प्रदेश में ये लगने लगा है कि सबका साथ सबके विकास की जो अवधारणा भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित की थी
उस अवधारणा का संपूर्ण लाभ अब उत्तर प्रदेश के 12-13 करोड़ पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल रहा है। सर, एक समस्या आमतौर पर हमने देखी है, लास्ट ईयर 2021 में भी देखी थी, कि तमाम छात्रों को जो छात्रवृत्ति, जो पिछड़े वर्ग के छात्र होते हैं, उनकी छात्रवृत्ति लटक जाती है, एक एक साल लटकी रहती है और नहीं मिल पाती है। कई जिलों में हमने देखा, प्रतापगढ़ से लेकर कई जिलों में पिछले साल ये समस्या रही। तो ये समस्या ना हो, ऑनलाइन कोई तरीका हो या कुछ पारदर्शी ऐसा तरीका हो जिससे ये दिक्कतें ना आए, इसके लिए क्या किया जा रहा है? निश्चित इसकी चिंता हमने मंत्री बनने के बाद शुरू की। ये समस्याएं आई, बहुत सारे बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रहे। मुझे दुख हुआ ये जान के कि किसी बच्चे का ऑनलाइन सिस्टम में कुछ डिफॉल्ट रहा, कुछ बच्चे आधार से लिंक नहीं हो सके, कुछ के रजिस्ट्रेशन में कमियां रह गईं। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में यदि एक भी त्रुटि रह जाती है, बिल्कुल नहीं लेगा तो उसको वो नहीं लेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। इस तरह की कठिनाइयों का सामना बच्चों को करना पड़ा है। इस बार मैं लगातार नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, लगभग प्रति सप्ताह कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन कितने हो रहे हैं, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, सिस्टम में कोई लकोना तो नहीं है। तो इस सरकार बनने के बाद और मेरे मंत्री बनने के बाद नियमित रूप से उसका परीक्षण, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और मुझे खुशी है कि इस बार उत्तर प्रदेश के किसी भी बच्चे को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, एक एक और ऐसा सवाल बनता है जब हम अलग अलग जिलों के छात्रों की से बात करते हैं, उनकी समस्याएं देखते हैं, कि मुख्यालय लेवल पर एक ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए या कोई एक कंप्लेन नंबर हो, जहां पर अगर प्रदेश के, मान लिया आपके जिले के छात्र हैं और वो उनका कुछ 10 छात्रों को दिक्कत हो गई, तो वो यहां शिकायत कर सकें कि साहब ये मेरी दिक्कत है और इसका सलूशन नहीं हो पा रहा है लोकल लेवल पर, तो इसका, इस समस्या का समाधान हो। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई हेल्पलाइन की ज़रूरत है पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए प्रदेश भर में, और इसकी व्यवस्था की जाए? पिछड़े वर्गों के बच्चों को उनकी समस्याओं का निदान के लिए पहले से उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन उपलब्ध है। उस पर पूरे प्रदेश भर के बच्चे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, हमारा विभाग उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनका निस्तारण करता है। उसको भी हमने और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की व्यवस्था को अंजाम दिया है। तो ये व्यवस्था हमारे पास ऑलरेडी है, बच्चे इस बारे में जानते हैं। सर, तमाम छात्र ऐसे होते हैं जो या तो ग्रामीण इलाके से होते हैं या पिछड़े इलाके से होते हैं, जहां आसानी से इंटरनेट या ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वो उन छात्रों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके कि तमाम ऐसी सुविधाएं आपके विभाग द्वारा दी जाती हैं कि शायद वो ग्रामीण क्षेत्र के तमाम छात्रों तक ना पहुंच पाती हों या पहुंच पा रही हूँ। हालांकि अब डिजिटल समय हो गया है, मोदी जी की बड़ी योजना है, उससे लोगों तक पहुँच बहुत आसानी से पहुँच चुके हैं। तो आसानी से पहुँच हो, इसके लिए पारदर्शी तरीका हो, इसके लिए क्या प्रचार प्रसार का क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या सिस्टम? दो चीज़ें हैं। जब से देश की सत्ता की बागडोर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, उन्होंने निरंतर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, इन्फॉर्मेशन को करेक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को बहुत परिपक्व किया है। हम लोग भी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विभाग की योजनाओं को वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपेक्षित लोगों तक पहुंचाते हैं। और अभी हम धीरे धीरे एक व्यवस्था और भी कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, अभी हमने परसों अपने दिव्यांगजन विभाग की बैठक की थी, तो उसमें दोनों चीज़ों को हम लेके आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कहीं पर इंटरनेट की प्रॉब्लम यदि आती है तो बच्चे कैसे, हालांकि आज की तारीख में ऐसा बहुत कम है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने विभाग की योजनाओं को हम बड़े बड़े शिलापट्टों के माध्यम से, होल्डिंग्स के माध्यम से कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तहसील और ब्लॉक तक हम बड़े बड़े होल्डिंग स्थायी रूप से लगा के बच्चों को उन सारी जानकारियों को देने का हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं, ताकि कहीं पर अगर इंटरनेट की समस्या आती भी है तो हमारे बच्चे या
पिछले वर्गों के लोग उन योजनाओं के लाभ के योजनाओं को जानने के लिए उस फ्लेक्स या होल्डिंग पर देखकर भी अपने लाभ की बात को आगे बढ़ा सकते। सर, प्रधानमंत्री जी की योजना है कौशल विकास, इसका कितना लाभ पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिल रहा है और उसमें हम अगर दिव्यांग जनों को भी जोड़ लें तो? देखिए, कौशल विकास देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस पर काम करते रहते। चूंकि कौशल विकास मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, इसके लिए अलग से विभाग है जिसके अलग हमारे दूसरे मिनिस्टर्स हैं, तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी उनके पास होगी। लेकिन कौशल विकास विभाग की जानकारी नहीं चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि कौशल विकास के तहत पिछड़े वर्ग के कितने युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उसका लाभ कितने युवा ले पा रहे हैं या अभी नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए आगे व्यवस्था की जाए? नहीं, कौशल विकास की का हमारे उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड समाज के बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं। कौशल विकास में इतनी सारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित हैं, लेकर एक एक बर्तन बनाने की कला से लेकर एक चाहे विश्वकर्मा की योजनाएं हैं, माटी कला बोर्ड की योजनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कौशल विकास का लाभ बैकवर्ड समाज के लोग ले रहे हैं। सरकार का विभागों का पूरा ध्यान इस पर रहता है और हम भी कोशिश करेंगे कि कौशल विकास की इस योजना को हमारे डिस्कशन इस बारे में हुआ है कि हम भी कौशल विकास की योजनाओं को अपने विभाग के माध्यम से संचालित करने पर हम विचार कर रहे हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक बैकवर्ड समाज के बच्चों को, दिव्यांग जनों को भी उसके साथ जोड़कर लाभान्वित कर सकते। सर, मैंने जहाँ तक देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बैकवर्ड समाज के बच्चे हैं वो ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की, ITI की, इस तरह की ट्रेनिंग्स वो अब ज़्यादा लेने लगे हैं, पिछले 2-3 सालों में ये हमने बदलाव देखा है। निश्चित, मैं कहता हूँ प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद एक बड़ी बात ये हुई है। पहले होता ये था कि योजनाएं होती थी कागजों में, पेपर्स पे, उनका अनुपालन धरातल पे नहीं होता था। योगी जी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद, चाहे कौशल विकास योजनाएं हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाएं हैं, दिव्यांगजन सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, हर विभाग की योजनाओं को धरातल पे उतारा है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जो एक दौर शुरू हुआ था गांवों से लोगों के पलायन का, प्राय पढ़े लिखे बच्चे, प्राय प्रगति करने वाले परिवार का मनोभाव ये बन गया था, चलो यार गांव छोड़ते शहर में चले। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। तो शहर में क्यों जाते थे? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अच्छी है, रोड्स कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, वहां पे तमाम फैसिलिटीज हैं, तो लोगों का पलायन होता था गांवों से। ये महत्वपूर्ण बात है कि योगी मोदी के युग शुरू होने के बाद गांवों का पलायन रुका है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, पलायन क्यों रुका है कि अब गांवों में सचिवालय बन गए हैं, अब गांवों में पुस्तकालय बन गए हैं, गांवों के प्राइमरी विद्यालय भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह संचालित हो रहे हैं, गांवों की सड़कें, गांवों के रास्ते सुगम हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि बिजली की आपूर्ति अब गांवों में भी नियमित रूप से हो रही है। तो आज उत्तर प्रदेश के गांव शहर से कम नहीं है। जब गांवों में शहर जैसी सुविधाएं हैं तो गांवों का पलायन भी रुका है, गांवों की महत्ता बढ़ी है, युग परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए अब शहर से लोगों को गांवों की तरफ लौटना पड़े। सर, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जन समाज की मुख्य धारा से जुड़े, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दिव्यांग जन सशक्तिकरण देश और प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है। देश के प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य और भाव ये रहता है कि भारतवर्ष के अंदर हम प्रत्येक दिव्यांगजन के जीवन में उजाला लाना चाहते हैं। बिल्कुल साहब, मुझे लगता है दिव्यांगजन जो नाम है ये भी शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही दिया था। निश्चित, प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया कि जिस बड़े समूह के अंदर, जिसको मोदी जी की सरकार बनने के पहले विकलांग
शब्द से संबोधित किया जाता था, हमारी सरकार ने यह महसूस किया कि विकलांग शब्द एक कटुता, असमानता, हीन भाव को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। इसलिए हमारी सरकार ने दिव्यांग जनों के मानसिक और मनोबल को बढ़ाने के लिए दिव्यांग जन को सृजित किया और दिव्यांग शब्द दिव्यता से परिपूर्ण है। यानी हमारी सरकार ये महसूस करती है कि दिव्यांग जनों के अंदर कोई बहुत सारी दिव्यताएं ऐसी छुपी हैं जो सामान्य जन से अधिक हैं, अलग हैं बिल्कुल। इसलिए दिव्यांग शब्द का ये एक तरह से सृजन करके देश भर के दिव्यांग जनों को एक सम्मानीय स्थिति में मोदी जी ने खड़ा किया है। और केवल नाम के परिवर्तन से ही नहीं, जानकर खुशी होगी कि 2017 तक दिव्यांग जनों को भरण पोषण के लिए मात्र 300 रुपए का ही पेंशन स्वरूप धनराशि दी जाती थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो धनराशि 300 रुपया अखिलेश जी की सरकार में मिलती थी, आदरणीय योगी जी ने दिव्यांग जनों के जीवन की चिंता करते हुए उसको बढ़ाकर 1000 रुपए किया, 700 रुपए की वृद्धि। और आने वाले कुछ समय में हमने निश्चित किया है कि इस 1000 की राशि को भी हम वृद्धि करके 1500 रुपए तक करने का भाव रखते हैं, 300 से 1500, 5 गुना ज्यादा। तो यह दिव्यांग जनों के प्रति योगी जी का स्नेह है, योगी जी का लगाव है, नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में 22 समेकित विद्यालय निर्माणाधीन है अथवा निर्मित हो गए हैं, जिनके माध्यम से दिव्यांग जनों को हम हाईस्कूल इंटरमीडिएट तक की निशुल्क शिक्षा देने वाले हैं। थर्ड, लखनऊ के अंदर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय, मैं कहता हूं एशिया का सर्वोत्तम विश्वविद्यालय है, जहां पर दिव्यांग जनों को हायर एजुकेशन में लाके हम उनको बड़ी सर्विसेज और बड़ी सेवाओं में लेने का काम कर रहे हैं। दिव्यांगजन युवक युवती अगर शादी करते हैं, अनुदान के तौर पर उन्हें हम 35,000 रुपए का सहयोग देते हैं। इसके अलावा कृत्रिम अंग और उपकरण भी निशुल्क उपलब्ध कराने की योजना हमारी तरफ से संचालित है। और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रत्येक लोकसभा में 100 मोटराइज साइकिल, पहले साइकिल्स केवल मिलती थी दिव्यांगजनों को जिन्हें चलाने में कठिनाई होती थी, मुख्यमंत्री जी ने दिव्यांग जनों के कष्ट को समझा और नीति बनाई कि हम ऐसा यातायात का साधन दिव्यांग जनों को देंगे जो उनके स्वास्थ्य के कष्ट को कम करे। तो 2021-2022 से पूरे उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जनों को हम मोटराइज साइकिल का वितरण कर रहे हैं। कल मैं 100 दिव्यांग जनों को मोटराइज वितरित करके आया हूं और मैंने उनके चेहरे की खुशहाली और खुशी देखी है कि वो सेल्फ स्टार्ट वो होता है। और कोई भी दिव्यांग जन अपने गंतव्य स्थान पर, बाजार में जाना हो, काम पे जाना हो, नौकरी पे जाना हो, उसे शारीरिक श्रम की आवश्यकता नहीं है, बस स्टार्ट करते हैं, बैटरी द्वारा संचालित है, न खर्चा है न कष्ट है। तो ऐसी बेहतरीन योजना सरकार चला रही है। बिल्कुल सही बात सर। हम पिछड़े वर्ग की बात करें, दिव्यांग कल्याण की बात करें, हम अगर पिछले करीब 2 दशक का देखें तो जो परिवर्तन अभी कुछ 2-3 सालों में थोड़ा देखने को मिला है, ये पहले देखने को नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों था? सरकारें तब भी थीं तो ये प्रयास क्यों नहीं किए गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जिन दल और नेताओं ने प्रदेश और देश की सत्ता का संचालन किया है, उनका विजन परिवार की तरफ था, परिवार सीमित था, उनका विजन तुष्टिकरण पर आधारित था, उनका विजन भाई भतीजावाद पर आधारित था। जब देश के या प्रदेश के दलीय नेताओं और दलीय सिद्धांतों में परिवारवाद शामिल हो जाए, तुष्टिकरण शामिल हो जाए, भेदभाव शामिल हो जाए, भाई भतीजावाद शामिल हो जाए, उस परिवेश में सरकारी योजनाओं का लाभ
प्रदेश और देश के समस्त अपेक्षित लोगों को मिल पाए ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं हुआ। मोदी योगी युग को इसलिए आज प्रशंसा मिल रही है, पूरे विश्व में मिल रही है, पूरे देश में मिल रही है कि जब से मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिला है, उन्होंने देश की प्रदेश की राजनीति को परिवार से दूर रखा है, पार्टी से दूर रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतरीन विजन में इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो पार्टी दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश के सिद्धांत का अनुसरण करती हो, वो पार्टी जब सत्ता में होगी तो देश में भी बदलाव होगा, प्रदेश में भी बदलाव होगा। अंतर मनोभाव का है, अंतर सिद्धांतों का है, अंतर नीतियों का है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, RLD हो या और दल, इन दलों का लक्ष्य राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र का विकास नहीं है, राष्ट्र का सम्मान नहीं है। इन दलों का लक्ष्य परिवारवाद को बढ़ावा देना, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, वंशवाद को बढ़ावा देना, तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करना। जब पॉलिटिकल पार्टी का एंगल ये होगा तो न प्रदेश आगे बढ़ेगा न देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज देश ने नए मानक पैदा कर दिए हैं। आज देश और प्रदेश की सरकार जो काम करती है, व्यक्ति के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, जमात के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करती है, प्रदेश के लिए काम करती है, इसलिए परिवर्तन की लहर जमीन पर दिख रही है। सर, निकाय चुनाव सामने है और सपा कांग्रेस RLD पिछड़े वर्ग पर अपना अधिकार जता रही है, कह रही है वोट उनको मिलेगा, कितनी चुनौती देख रहे हैं आप बीजेपी के लिए? समाजवादी पार्टी RLD, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी, अब ये पिछड़ों के बीच में जाने लायक नहीं रहे हैं। आशय यह है कि पिछले वर्गों के लोगों ने, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड समाज की आबादी लगभग 55% है, बहुत बड़ी आबादी है और पूरा चुनाव डिपेंड करता है बैकवर्ड, और पूरे पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, लोकल बॉडी हो, स्थानीय निकाय हो, हर चुनाव में पिछड़े वर्गों के लोग जिसके साथ खड़े होते हैं वो जीतता है, जिससे निगाह फेरते हैं वो हारता है। इन सारी पार्टियों को, अपोजिशन की सब पार्टियों को पिछड़े वर्गों के लोगों ने अच्छे से आजमाया है, देखा है, कन्फर्म हो गए हैं कि इन सब पार्टियों के साथ जाना, प्रदेश और अपने समाज के साथ अन्याय करना होगा। इसलिए अब युग परिवर्तन हो गया है। पिछड़े वर्गों के लोगों ने संपूर्ण भाव के साथ भाजपा को अपने हृदय में बसा लिया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को स्वीकार लिया, इसलिए स्वीकारा है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिला है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देश की केंद्रीय मंत्रिमंडल में OBC के 27 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिला है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालयों में 27% रिजर्वेशन लागू हुआ है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नीट जैसी परीक्षा में भी 27% रिजर्वेशन मोदी जी ने लागू कर दिया है। मोदी जी संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी में बढ़ावा दे रहे हैं और सामाजिक परिदृश्य में सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो जो भाजपा, जो मोदी, जो योगी पिछड़ों के सर्वांगीण विकास की चिंता करती है, पिछड़े वर्गों के लोग लामबंद होकर हमेशा के लिए मोदी, योगी और बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। सर, अगर ऐसा है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ क्यों छोड़ दिया? साथ छोड़कर उन्होंने देख लिया ना, उनको मालूम चल गया कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे ना, हम अखिलेश को 400 सीट जिताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश जी, सब ने अपना अपना भाव रखा। परिणाम क्या हुआ, निर्णय जनता करती है ना। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में भी फैसला दे दिया, तमाम प्रोपगंडे के बावजूद भी 273 लेकर भाजपा सत्ता में आई है। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों का विश्वास भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है आज भी। सर, आखिरी सवाल है मेरा, संगठन में भी आपके पास महत्वपूर्ण पद है, तो 2024
से पहले निकाय चुनाव सामने है और 2024 की तैयारी पार्टी काफ़ी समय से कर रही है। क्या तैयारियां हैं निकाय चुनाव की और 2024 की? ओबीसी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में संगठनात्मक अभियान हमारा जारी रहता है। पिछड़े वर्गों को मिलने वाली सुविधाएं संगठन से जोड़ने का अभियान, पार्टी की नीतियों का बैकवर्ड्स के बीच में ले जाने का क्रम निरंतर जारी रहता है और मैं इस सब परिस्थितियों के आधार पे कह सकता हूं कि 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए नए इतिहास की सृजना करेगा। ये कभी नहीं हुआ होगा उत्तर प्रदेश में। पिछड़े वर्गों के लोगों ने ठान लिया है, तमाम बैकवर्ड ने इस बात को निश्चित कर लिया है कि 80 में से 80 जिताएंगे 2024 के चुनाव में। और इसकी वानगी अभी शहरी निकाय के चुनाव होने वाले हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तमाम उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के भाई बहन इस निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जिता के 2024 के चुनाव के परिणाम का इशारा कर देंगे। सर एक सवाल और लेंगे हम, हालांकि हम आखिरी सवाल बोल चुके थे लेकिन एक सवाल और बनता है। 2022 के चुनाव में हमने देखा आरएलडी और सपा का गठबंधन जो हुआ वो पश्चिम में बीजेपी को नुकसान पहुंचा चुका है और आरएलडी जो जमीन पे आ चुकी थी फिर उसके 7-8 विधायक हो गए पश्चिम में, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है 2024 के लिए? आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव 2022 में एक ऐसा प्रोपगंडा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया, चूंकि मैं रहने वाला हूं वहां का, कि किसान बहुत नाराज हैं, सब विरोध में खड़े हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का सपाया हो जाएगा, सपा आरएलडी गठबंधन बड़ा मजबूत हो गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, चुनाव के परिणाम आए और परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां विपक्ष और दूसरे लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सपाया पश्चिम से हो जाएगा, सबको मालूम चल गया कि लगभग 56 सीटों में से अधिका 36 सीटों पर लगभग, मुझे ठीक से अगर याद हो जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इससे बड़ी सफलता भाजपा के लिए और क्या हो सकती है कि जहां लोग जीरो गिनते थे वहां भी हम प्रचंड बहुमत से जीते। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आप थे हमारे साथ नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण। उन्होंने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, इस पर उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। और इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी सबसे बड़े वर्ग यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए किस तरह तैयारी कर रही है, इस पर भी उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही, फिर हम किसी खास शख्सियत के साथ अगले शो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।